हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। सो यार आज हम थोड़ा नेपाल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गए थोड़ा मंदिर में पूजा है गाइस। तो वहाँ माँ दुर्गा की पूजा होने वाली है गाइस। तो तभी हम लोग आज नेपाल की तरफ जा रहे हैं गाइस। तो आपको वहाँ का सब कुछ देखने को मिलेगा गाइस, बने रहिए आप लोग। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस देख सकते हैं यार हमारी यहाँ पे, आप देख सकते हैं नदी में पूरा यहाँ पे दिखता हुआ ये पुल गाइस भारत नेपाल के बीच लगा है। बहुत लंबा है गाइस, ये होगा मतलब 50-60 मीटर तक होगा अगले अगले इंडे। तो देख सकते हैं यार अभी हम इसी पुल में जा रहे हैं। थोड़ा हिल भी रहा है यार, ये थोड़ा झूला पुल है ना। तो देख सकते हैं आप अभी हम नेपाल जा रहे हैं। तो हमने अपनी आईडी प्रूफ दे रखी है पूरी। तो आप देख सकते हैं ये काली नदी का नज़ारा है, ऊपर से आती हुई काली नदी नीचे पूरे झूलाघाट की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत लंबा पुल है ये, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये बोलो जुबा के स्त्री यहाँ पे चलते हुए हमारे आगे आगे देख सकते हैं आप। तो ये देखिए गाइस यार, तो अभी देखिए कितना लंबा है आगे पुल, और आगे भी देख सकते हैं कि अभी कैसा चल रहा है और थोड़ा हिल भी रहा है गाइस। तो ये पुल देखते गाइस, तो आगे ऊपर को चलते हैं हम। मंदिर में अब पहुंचने में 10-15 मिनट हैं। तो देखिए हमारा काफिला मिल जाता हुआ, और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे पेड़ पौधे हैं गाइस। तो यहाँ नीचे से पुल है, ये हाल ही में कटी हुई रोड है गाइस। तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नज़ारा। ये हमारा प्यारा इंडिया और ये अपना नेपाल साइड को। देखिए यार अभी धूप बड़ी तेज है यहाँ पे, और नेपाल में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ धूप लगती है। देखिए लोग वहाँ मेला देख के वापस भी आने लग गए, क्योंकि ये कल शाम को गए हुए वाले लोग हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हमारे सब साथ वाले यहाँ पे चल चुके हैं। तो यार थोड़ा ही बचा है मंदिर, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई भी है। तो आप देख सकते हैं पूरा, और ये पूरा हमारा इंडिया है गाइस, और मेरा घर भी यहाँ से दिख रहा है गाइस पूरा। तो यार थोड़ा यहाँ पे गर्मी भी हो रही है अपनी, अब आई गया है गर्मी का महीना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं आप, वो गाइस ये पूरा नेपाल, वो सॉरी इंडिया है, क्योंकि हम अभी नेपाल में हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय वाई पूरा बना रखा है, और ये खेत है गाइस पूरे यहाँ पे। तो फसल अच्छी होती है यहाँ कुल मिला के गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैदान जैसा ये दिख ही रहा है। और यहाँ पे देखिए अब देख सकते हैं आप, और ये पूरा ये साइड में आप देख सकते हैं पूरा। आप चलिए, और गाइस अब ज़्यादा दूर नहीं बच गया मंदिर। तो आपको मैं सीधे मंदिर जब हम पहुँच जाएंगे तो उसके बाद का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। हमें ये हमारे एहसालो भी मिल सकते हैं, ये आरू भी हैं यहाँ पे सब खाने के लिए। ये पूरा झील है गाइस, तो ये एहसालो बोलते हैं इसको हमारी पहाड़ी भाषा में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ऊपर, आप देख सकते हैं भीड़। तो वहीं हमें अभी जाना है गाइस, तो देख सकते हैं आप अभी हम ऊपर जाके आपको कांटेक्ट करते हैं। के गाइस तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ की भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये बहुत ही सिद्धि मंदिर और
हाँ, इस इलाके में तो बहुत प्रसिद्ध है गैस, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सब जगह, यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ में आपको सब एक जगह की जगह दिखाऊंगा। ये बच्चे जो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा, ये बच्चे लोग है हमारे यहाँ के, ये देखिए, और ये इंडियन है गाइस, ये इंडियन है। सो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे भीड़, और ये सब दाई लोग यहाँ के हैं, ये देखिए। और ये भाई तो अभी इंडिया के दिख रहे हैं, इंडिया के हो ना भाई, ये इंडिया के है, इंडिया का। तो देख सकते हैं आप पूरा, अरे तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पे भीड़, आप देख सकते हैं गाइस पूरा यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है गाइस जी। तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे भीड़ तो बहुत तगड़ी लग रही थी यहाँ पे। ओके, ये छोटी सी दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्हें लगा रखी है यहाँ, तो देख सकते हैं। तो हम अब आगे को देख जाते हैं गाइस, तो किसी को पूछते हैं कि इस मंदिर का क्या रहस्य है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मंदिर में आप देख सकते हैं हमारे भाई, बड़े भाई, ये सब यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, और भीड़ देख ली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आधे यहाँ पे हमारे आगे इंडिया के, और आधे से ज़्यादा पूरे नेपाल के गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब भाई लोग। चलो हम मंदिर की तरफ कुछ करते हैं, मतलब मंदिर में देखते हैं मंदिर में क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य गेट है गए, तो आप देख सकते हैं मुख्य गेट यहाँ पे मंदिर का दिखता होगा। देखिए गाइस, तो यहाँ पे पूरी भीड़ यहाँ पे लगती हुई, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे सब लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक वाली यहाँ पे दिख रही है। तो गाइस यार, तो हम थोड़ा लेट हो गए यार गाइस यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे ये बलि हो चुकी है गाइस, तो आप देख सकते हैं बलि पूरी यहाँ पे दिखा देख रहे हैं पूरा, ये बलि यहाँ पे हो चुकी है गाइस। तो यहाँ पे मंदिर है गाइस, इसकी भी अलग कहानी है जो मैं आपको बाद में सुनाऊँगा, मतलब तब आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्या कहानी है पूरे मंदिर की। खाली तो इतनी भीड़ गाइस कहीं लगती नहीं है, आप देख सकते हैं ये एक तरह का मेला है गाइस यहाँ पे नेपाल में, तो आप देख सकते हैं यार गाइस सब लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। और यहाँ पे बोला जाता है कि किसी चीज़ की मन्नत अगर किसी ने मांग दी तो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये मंदिर थोड़ा घूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस थोड़े मैंने जूते पहन लिए, तब मैं आगे को जा नहीं रहा हूँ, अगर मैंने खोल लिया तो मैं जा सकता हूँ गाइस। तो आगे देख सकते हैं आप सब यहाँ पे भीड़ लगती है। तो गाइस, तो देखिए मंदिर की अभी हम आपको देख सकते हैं यार पूरा ये खून, लेकिन ये इसकी एक मान्यता है गाइस कि ये खून अभी थोड़ी देर में खुद ही गायब हो जाएगा, और राइस समय तरीके से गायब हो गया है ये, हमने हर हमेशा ये चेक करा है। तो ये है मेन मंदिर हमारी माँ का, तो ये तो पूरे दुनिया की माँ हुई गाइस, आपको तो मालूम है पूरी दुनिया की माँ हुई। और देख सकते हैं आप ये पूरा यहाँ पे साइड में कर रखा है, और ये देख सकते हैं ये मेन मंदिर है गाइस यहाँ पे, देख सकते हैं।
पहले पहले।